Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. Tadka curd rice, a simple but very delicious and a yummy dish. So let's start. तो इसके लिए चाहिए उड़द, चना दाल, हींग, पीनट्स, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स, चाहिए रेड चिली और ग्रीन चिली चॉप, पीनट्स, रॉ पीनट्स। तो एक पैन में तेल लेके मस्टर्ड सीड्स को हम अच्छे से सौते करेंगे, जब तक वो क्रैकलिंग नॉइज़ नहीं आता है। चना दाल डाल देंगे, उड़द दाल भी डाल देंगे। इन लोग को अच्छे से सौते करना है क्योंकि दाल्स आर रॉ, तो थोड़ा अच्छे से उसको तेल में हम सौते करेंगे ताकि वो थोड़ा क्रैकलिंग तक अच्छे से हो जाए। उसमें हम अब जो कश्मीरी रेड चिली लिया था उसको हम स्लाइस करके इसमें डालेंगे। अब हम इसमें करी लीव्स डालेंगे। इन सब को अच्छे से सौते करके इस एक अच्छा तड़का बना के साइड में करेंगे। अब हमें चाहिए ब्रोकन राइस और फेटा हुआ कर्ड। ब्रोकन राइस को अच्छे से धो के भिगा के हमें बॉइलिंग करना है, डबल द क्वांटिटी। लेकिन हम कर्ड राइस के लिए हम ट्रिपल द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करके हम उसको अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि वो मशी हो जाए, ओवर कुक होना चाहिए। ये देखो, ये मेरा राइस अभी ओवर कुक है लेकिन अभी भी हुआ नहीं है, और मैं इसमें और पानी डालूँगा ताकि और अच्छे से मशी हो जाए। एकदम मैश होना चाहिए राइस, और उसको फिर हम ढककर उसको थोड़ा देर और पकने देंगे। अब तुम्हारा राइस रेडी है। तड़के में थोड़ा हींग डालेंगे। इन सब को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम राइस में फेटा हुआ कर्ड डालेंगे। स्वाद अनुसार अब हम उसमें नमक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीन चिली चॉप डालेंगे। चॉप कोरिएंडर फ्रेश लीव्स डालेंगे, और अब हमने जो तड़का बनाया था वो डाल देंगे। तड़का कर्ड राइस इज रेडी टू सर्व। इट शुड बी सर्व्ड चिल्ड। ये बना के आप फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद आप उसको अच्छे से सर्व करेंगे। चलो ये हम प्रेजेंटेशन करेंगे। इट्स अ रियली हेल्दी डिश, यू कैन ट्राई। जब भी आप कुछ हॉट चीज़ खाएंगे तो हमेशा वो खाने के बाद ये कर्ड राइस खाना। इट इज़ वेरी डाइजेस्टिव एंड वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ। सो बने रहिए शेफ तंजिल के साथ एक और नई रेसिपी में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स टू माई चैनल, एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर videos on my channel. Thanks once again.